संभाल सके। बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी, जरासीम है ग्रेटनेस के, इसलिए कि ये प्रॉपर बैटिंग करते हैं और प्रॉपर बैटिंग में ही ये इतने बड़े बड़े छक्के लगाते हैं और इतनी सेफ हिटिंग करते हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं है। एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है भारत के लिए, इसलिए कि इनको सामने रखते हुए या जिस तरह से ये बैटिंग करते हैं, आपको इल्म है कि आपको पता चल जाता है कि ये अच्छी पेस अटैक, अच्छी बॉलिंग के भी पड़खच्चे उड़ा सकते हैं। उस लिहाज से बहुत ही एक क्लासी एडिशन है और उम्मीद मैं यही करता हूं कि इसी तरह से खेलते रहे। असल में देखिए, जब भारत को बैटिंग पिच मिलती है तो फिर इनका मुकाबला नहीं आप कर सकते, क्योंकि इतना बैटिंग का टैलेंट है कि अगर आप पहले दो एक जल्दी खिलाड़ी आउट भी कर लें तो एक तरह से बैट्समैनों की फौज होती है और वो जो एक रिलेंटलेस प्रेशर क्रिएट करते हैं खासतौर पे बैटिंग पिचेस पे, वो लिमिटेड सी स्केल्स के ऊपर खेलते हैं। क्योंकि आपको आइडिया है कि एक दो ऐसे हैं इनके क्रिकेटर्स जो कि आपको सरप्राइज कर सकते हैं ऑन द डे, बट वो थोड़ी सी कसर है, कहीं बोलिंग में कसर है, इसलिए कि बेनता यूजलेस बोलिंग हुई मैं तो ये कहता हूं। और एंड में खैर बैटिंग की तरफ जिस अंदाज से वो हमला करते हैं, तो एक ओवरऑल पैकेज बड़ा जबरदस्त है। मुझे तो कई दफा ये बोलिंग अटैक जो है ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि पाकिस्तान का बोलिंग अटैक को सामने रख, इवन दो इट वॉज अ डिफिकल्ट पिच, बट उन्होंने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात की कि वो बट सम ऑफ द शॉट्स दैट ही प्लेड इवन ऑन दिस डिफिकल्ट पिच विद दीज कंडीशंस एंड ऑल दैट वर रिमार्केबल। देखें, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बैटिंग ऑन दिस काइंड ऑफ पिच, स्पेशली जब आपके इर्द गिर्द विकटें गिर रही होती हैं, उस वक्त आप बड़ा मुश्किल होता है कि इस तरीके से आप ये वाली इंटेंट शो करें और स्टिल बॉलर्स को अंडर प्रेशर रखें। नो डाउट के स्टार्ट उनको थोड़ा सा बेहतर मिल गया था, बट उसके बाद फौरन तीन विकटें गिरी हैं और तीन बहुत बड़ी विकेट्स थी उनके लिए। स्टार्ट प्लेइंग वो जिसको कहते हैं ना कि एंकर भी करना है और साथ प्रेशर भी डालना है अगली टीम पे, कहीं पे भी वो जो चीज़ थी कि उन्होंने मैच को उतना हाथ से नहीं जाने दिया, कहीं ना कहीं हम इन हंट रहे। फोर एंड ओवर से, इवन लेस देन फोर एंड ओवर से एक टाइम पे 30 ओवर के बाद 4+ पे ले गए थे वो। और बिल्कुल जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उनकी बैटिंग की, नोइंग द सिचुएशन कि गेम अब किस तरफ जा रही है, नोइंग द कंडीशन, रिस्पेक्टिंग द कंडीशन एंड देन पंच कब मारना है दूसरी टीम को, वो राइट टाइम पे पंच मारना, दैट वाज आई थिंक द क्वालिटी ऑफ दिस इनिंग। या एब्सोल्युटली, जस्ट आउटस्टैंडिंग। लेट्स टॉक अबाउट दैट जस्ट वॉल, 125 रन नॉट आउट और इंडिया 225, तीन खिलाड़ी आउट। जायसवाल, इस तरह के बैट्समैन चाहिए इंडिया को। आप अगर ट्रांजिशन फेज से निकल के जा रहे हैं, अगर आपने पुजारा को, रहाणे को रेस्ट करवाया है और आगे आप सोच रहे हैं कि चलो रोहित शर्मा, विराट कोहली 2-3 साल 4 साल जितने साल भी खेलेंगे, आगे जाहिर है कि यंगस्टर्स ने आके खेलना, तो जब इस तरह के यंगस्टर्स आके खेलेंगे तो आपको कुछ हौसला मिलेगा और आपको उम्मीद रहेगी कि भाई। दोस्तों, इंडियन प्लेयर जायसवाल ने आते ही क्रिकेट हिस्ट्री में तहलका मचा दिया। यक्के बाद दी ग्रेट, अच्छी इनिंग खेलने पे मशगूल। इंडिया का मुकाबला इंग्लैंड के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच में इंडिया के कैप्टन नटराजन का पहले बैटिंग करने का फैसला किया। पहले दिन के इख्तिताम पर जायसवाल ने 189 रन बना लिए हैं, 257 बॉल का सामना किया है, 17 चौके लगाए हैं, 5 शानदार छक्के लगाए हैं, अभी तक क्रीज पर मौजूद हैं। सवाल की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, बहुत ही अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया। हालांकि साथ उनके सीनियर बैट्समैन आउट होते जा रहे थे, यह सवाल जो अभी अभी क्रिकेट की दुनिया में आया है और आते ही क्रिकेट में अपना नाम बना लिया। सवाल ने 189 रन बनाए, अभी तक नॉट आउट हैं। रोहित शर्मा ने 14 रन बनाए हैं, शुभमन गिल ने 34 रन बनाए, शेरयास अय्यर ने 27 रन बनाए हैं, अक्षर पटेल ने 27 रन बनाए हैं। पहले दिन के इख्तिताम तक इंडिया का स्कोर 332 रन है और इंडिया के 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। आज के दिन का हीरो जायसवाल है। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।